A very good morning, students. I am Hemlata Mishra from Navjyoti Global School, Pahadpani. और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास सेवन्थ की सिविक्स का चैप्टर नंबर वन, जो कि है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. हम इसमें पढ़ेंगे जो हमारी डेमोक्रेसी है ना, यहाँ पे जो लोग हैं कितनी इक्वालिटी है उनमें. इक्वालिटी मतलब समानता, ठीक है, किस तरीके से वो लोग इक्वल हैं. जैसे कि हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो सारे लोग इक्वल हैं, जैसे कि वोट देने का अधिकार सबको है, लॉ के आगे सब इक्वल है. लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कंट्री में जहाँ पे इनइक्वालिटी है लोगों में, जैसे कि रिच और पुअर का डिफरेंस हो गया, कास्टिस हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इनइक्वालिटी है, ठीक है. डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी बहुत सी इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानताएँ हैं जो हमारी कंट्रीज में प्रेजेंट है. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में स्टोरी दी है, ठीक है. स्टोरी यहाँ पे मतलब इस चैप्टर में आपको स्टोरी के हेल्प से समझाया है कि इक्वालिटी किस वे में लोगों में इक्वालिटी है और कहाँ पे जो है लोगों में अनइक्वालिटी है. अब देखिए ये ना, ये आपको दिखाया है कि वोटिंग का एक दिन है, ठीक है, मतलब इलेक्शन का दिन है, उसमें वोट करना है. तो इलेक्शन डे में क्या है, ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट. इलेक्शन का दिन है तो कांता और सुजाता जो है वो मतलब वोट देने के लिए लाइन में लगी है. देखिए मनजीत कौर टीचर है, ट्रेडर है, स्टूडेंट है, ठीक है, ये डोमेस्टिक वर्कर दूसरों के घरों में जो ये काम करती हैं, तो ये वोट देने के लिए खड़ी है. तो देखिए आप सब लोग लाइन में खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, वोट देने के लिए. तो अब कांता जो है वो इससे बोल रही है, सुजाता से बोल रही है कि इजंट इट गुड सुजाता दैट वी ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, इवन जैब साहिब इज सिटीजन स्टैंडिंग इन लाइन विद अस. तो कांता सुजाता से बोल रही है कि सुजाता क्या ये अच्छा नहीं है कि जो हम सारे लोग हैं कंट्री में, हम एज ए इक्वल सिटीजन हम यहाँ पे वोट कर रहे हैं. वोट के टाइम पे ये नहीं है कि जो बड़ा है तो उसे वो लाइन पे नहीं लगेगा, वो ऐसे ही जाके वोट दे आएगा, क्योंकि ये जैन साहब है जिसके वहाँ ये काम करती है कांता. तो बोल रही है कि जैन साहब भी हमारे साथ लाइन में ही लगे हैं वोट देने के लिए. तो वोट देने के लिए तो हमारी कंट्री में इक्वालिटी है, तो ये अच्छी बात है, वो उससे बोल रही है ना. मतलब यहाँ पे फिर देखिए स्टार्ट यहाँ पे आपको यही बोला है कि स्टोरी के थ्रू आपको इक्वालिटी समझाइए. यहीं पे आपको ये बोला कि डेमोक्रेसी जो है कंट्री की, कि किस वे में लोग इक्वल हैं, किस वे में लोग इक्वल नहीं है, यही बताया लिखा है यहाँ पे. तो अब कांता की बारी आ गई है, ठीक है, वोट देने की. तो गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न. अब कांता की बारी आ गई है वोट देने की, तो वो वोट देने जा रही है. तो कांता वोट देट टाइम बोल रही है कि आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू हर एरिया. अब देखिए कांता स्लम एरिया में रहती है, ठीक है, वहाँ मतलब पुअर है वो बहुत. तो वो बोल रही है कि मैं तो उसी को वोट दूंगी जिस कैंडिडेट ने, मतलब कैंडिडेट मतलब जो पर्सन इलेक्शन में उठे हैं, उनमें से मैं उसी आदमी को वोट दूंगी जिसने मुझसे वादा किया था कि वो हमारी स्लम एरिया में जो है पानी के लिए पाइप लेके आएगा. वो ऐसा बोल रही है, ठीक है, मैं तो उसी को वोट दूंगी. अब देखिए अब कांता वोट दे चुकी है, तो उसके बाद क्या होता है, अब जो जैन साहब है वो गाड़ी में जा रहे हैं, तो कांता से बोल रहे हैं कि वी विल सी यू लेटर, हम बाद में तुम्हें देखेंगे. तो वो बोल रही नमस्ते साहिब, ठीक है. अब देखिए कांता की लड़की है गुड़िया, उसे बहुत वो बीमार है. गुड़िया हैव बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस. तो कांता सुजाता से बोल रही कि कांता की लड़की जो गुड़िया है वो बीमार है, उसको बुखार आ रखा है और उसे हॉस्पिटल लेके जाना है. लेकिन फिर कांता बोल रही है कि लेकिन उससे पहले क्या है, मुझे साहिब के घर में काम पूरा करना है ताकि मैं उनसे एडवांस मार्क्स मांग सकूँ, जिससे कि मैं क्या है अपनी बेटी गुड़िया को हॉस्पिटल में दिखा सकूँ. अब सुजाता जैसे घर में जा रही है, ये सुजाता की लड़की है जो बीमार है. हैव यू सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वेल गो टू द हॉस्पिटल. ओके वी विल गो टू द हॉस्पिटल. तो ये लड़की मम्मी जो कांता है वो इस उसकी लड़की गुड़िया से बोल रही है कि ये लो अभी कुछ पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, और जब मैं शाम को घर आ जाऊँगी काम करके तो हम हॉस्पिटल में जाएंगे, ठीक है. तो वो ऐसा बोल रही है. अब देखिए इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इट्स ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन. अब कांता ये भी सोच रही है, बस्ती देखिए यहाँ पे स्लम एरिया में लोग रह रहे हैं, कितनी यहाँ पे गंदगी है, ठीक है. तो कांता बोल रही है कि बीमार तो पड़ना ही है क्योंकि बस्ती में साफ़ सफाई है नहीं, तो बीमारियाँ तो उससे आएंगी.
अब देखिए कांता के अपने साहब के घर क्या है, काम करने के लिए गई है, तो मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। तो जो साहिब की वाइफ है वो बोल रही है कि जो कॉर्नर है उसे अच्छे से साफ़ सफाई तुम करिएगा। तो कांता ने अपने एडवांस मांगा होगा मैम से अपनी लड़की को दिखाने के लिए, तो वो बोल रही है उसकी मैम बोल रही है कि ये लो अभी तो एडवांस रख लो, लेकिन हमेशा की अपनी आदत मत बना लेना एडवांस की, क्योंकि हमेशा मैं तुम्हें एडवांस नहीं दूंगी, वो ऐसा बोल रही है। अब इवनिंग में क्या हुआ, जो कांता है वो मतलब अपनी लड़की को हॉस्पिटल लेके गई है। अब हॉस्पिटल में देखिए इतनी लंबी, हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गई है, वहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो जैन मैडम एंड जैन साहिब में स्टेंड इन द लाइफ टू वोट बट दे नेवर हैड टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। अब कांता ये सोच रही है कि जैन जो जिसके वहाँ वो काम करती है, अगर वोट देने की बारी हो तो उन्हें लाइन में खड़ा होना होता है, लेकिन अगर उनके बच्चे बीमार पड़ेंगे तो उन्हें कभी लाइन पे नहीं खड़ा होना पड़ेगा, वो एकदम से सीधे हॉस्पिटल जाके दिखाएंगे, लेकिन उन्हें लाइन पर कभी नहीं खड़ा होना पड़ेगा अगर उनके बच्चों पे बात आती है। तो देखिए मतलब इस स्टोरी से ना हमें दो चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है कि अगर वोट देने की बात है तो वहाँ पे तो इक्वालिटी है, हाँ, कि सबको राइट टू वोट है, जो अमीर है गरीब है वो एक लाइन में खड़ा होगा, जब उसकी टर्न आएगा तब वोट देगा। लेकिन यहाँ पे वोट करें तो इक्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या रिच और पुअर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, रिच और पुअर के बीच में बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी है। वही कांता बोल रही है ना कि हम गरीब हैं तो हमें लाइन पे खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन हमारे जो जैन साहब हैं उनको अगर उनका बच्चा बीमार पड़ जाए तो उन्हें ऐसे कभी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों के पास पैसे हैं तो वो दिखा सकते हैं अपने बच्चों को आराम से। तो यहाँ पे वही बताया गया कि इनइक्वालिटी, कि रिच और पुअर में बहुत ही ज़्यादा जो है असमानता है। अब देखिए वो यहाँ पे बताया इक्वल राइट टू वोट, वोट देने का तो सबको इक्वल अधिकार है। द स्टोरी अबव बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट हर वोट। वही जो स्टोरी मैंने अभी आपको बताई, इसमें वही है कि जो स्टोरी कांता वोट में खड़ी है, लाइन पर खड़ी है वोट देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी देख ली है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में हमने 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है कि जिसमें क्या है हर किसी को वोट देने का अधिकार है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो किस कास्ट का है। अगर आपका रूल है कि अगर 18 साल से ऊपर बच्चा है, फिर चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ठीक है, और कोई भी कास्ट हो उसका, कोई भी रिलीजन हो, अपर कास्ट हो लोअर कास्ट हो, रिच हो पुअर हो, हर किसी को वोट देने का अधिकार है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो वही है यहाँ पे बताया कि कांता बहुत एक्साइटेड है वोट देने के लिए, लेकिन कांता को मतलब वही सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी ना कि कांता को समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसे वोट दूँ। ठीक है, क्योंकि वो स्लम में रहती है और स्लम में क्या है उसके घर के पीछे पानी बह रहा है, उसकी लड़की बीमार है, ठीक है, उसने जहाँ वो काम करती है वहाँ से पैसे उधार ले रखे हैं, तो फिर यही सारी चीज़ें हैं। तो वो वही बोल रही, मैंने ऊपर बताया आपको कि वो वही बोल रही जिससे मैंने प्रॉमिस किया, जिसने हमसे कि तुम्हारे गली में हम पाइपलाइन लेके आएंगे उसी को वोट दे। तो देखिए ऊपर हमने पढ़ा कि इक्वालिटी है राइट टू वोट, अब देखिए अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी, दूसरी तरीके की इक्वालिटी जो हम पढ़ेंगे उसमें यह है कि कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर। अब देखिए कांता और हम आप जैसे लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो यहाँ पर राइट टू वोट तो सबको है, सबको अधिकार है कि वो वोट दे, लेकिन उनकी जो डेली लिविंग कंडीशन है, जो उनकी जहाँ वो डेली रह रहे हैं, जो वो वर्किंग कंडीशन है वो देखिए ना, वो कितनी अनइक्वल है। वो गरीब है तो उसको कितनी इनइक्वलिटी फेस करनी पड़ रही है, पुअर जो लोग होते हैं उनको डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के बाद भी कितनी इक्वलिटी इनइक्वलिटी जो है फेस कर रहे हैं। तो लेट अस सी व्हाट दिस मींस बाय रीडिंग द टू स्टोरी गिवन बिलो। अब देखिए हमने जो स्टोरी पढ़ी, अब इससे हमें क्या पता चलेगा, या अभी आपको स्टोरी दी है उससे क्या पता चलेगा, यहाँ पे दो स्टोरी नीचे दी हैं तो बताया है कि कैसी इनइक्वालिटी है। और जो ये दोनों स्टोरी है ना, ये रियल इंसिडेंट में कि किसी के साथ ये सच्ची घटना घटी है। अब देखिए वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। अब इंडिया में एक तो इनइक्वालिटी है कि रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस है, और एक और इनइक्वालिटी है कास्ट सिस्टम। बहुत होता है ना इंडिया में, पहले तो बहुत ही ज़्यादा होता था इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन थोड़ा कम हुआ। आज भी कहीं कहीं समाज में जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर भी कास्ट सिस्टम को बहुत मानते हैं ना, ये उच्च जाति का है ये नीचे जाति का है, हम इसका हाथ का नहीं खाएंगे, ये वो बहुत होता है ना। तो ये भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में इनइक्वालिटी का।
तो इफ़ यू लिव इन द रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिटी इज़ समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी यंग। अगर आप कहीं रूरल एरिया में रह रहे हैं तो आप देखिए, अगर बचपन से ही आपके कास्ट के अकॉर्डिंग ना आपको, अगर आप अपर कास्ट के हैं तो ठीक है, सब आपसे अच्छे से ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर आप लोअर कास्ट से हैं तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है रूरल एरिया में। शहरों में तो आजकल अब बहुत कम हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। वही बता रहा है, अगर तुम अर्बन इंडिया में रह रहे हो, शहरों में रह रहे हो, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे कास्ट में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप गांव में रह रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत से लोग हैं जो अभी भी कास्ट सिस्टम में बहुत बिलीव करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो स्टोरी आपको दी है, तो यहाँ पे स्टोरी हम पढ़ेंगे कि मतलब जो दलित चाइल्ड है, जो स्कूल अटेंड किया है, वो स्कूल में गया है, वो दलित लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, तो उसके स्कूल का क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे उसके साथ स्कूल में ट्रीट किया जाता है। तो देखिए, आपने ऑलरेडी पढ़ा है दलित के बारे में क्लास सिक्स में। तो दलित इज़ अ टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। अब दलित बेसिकली उन लोगों को बोलते हैं जिनकी लोअर कास्ट हो, ठीक है, जो हरिजन लोग बोलते हैं ना, जिनकी थोड़ी लोअर कास्ट होती है, लोगों का ऐसा मानना है। वैसे कास्ट सिस्टम जैसी तो कुछ चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, फिर भी लोग मानते हैं। तो दलित मतलब यही है जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहानी बताइए आपकी, आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो दलित है, लेकिन वो फेमस दलित राइटर हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूथन, उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी, मतलब जो पर्सन अपनी खुद की स्टोरी लिखता है खुद से, उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने क्या है, अपनी ही खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जूथन जिसका नाम है, और उसमें उन्होंने लिखा है अपनी स्कूल लाइफ के बारे में कि जब मैं स्कूल में एडमिशन लिया था, मैं स्कूल में जाता था, तो मैं लोअर कास्ट का हूँ, तो लोग मेरे साथ कैसे ट्रीट करते थे, उन्होंने इसके बारे में बताया, ठीक है। सो आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि उस ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब भी मैं क्लास में जाता था तो मुझे क्या है, क्लास में लोगों से और बच्चों से, जो अपर कास्ट के बच्चे थे, उनसे दूर बैठाया जाता था, एंड देट टू ऑन द फ्लोर, और मुझे ज़मीन में बिठाया जाता था। द मैट रेन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। समटाइम्स आई वुड हैव टू सेट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर टू द डोर। कभी कभी तो मेरे को क्या है, सबसे बहुत दूर बिठाते थे, लाइक दरवाजे में मुझे बिठाते थे। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न। कभी जो अपर कास्ट के बच्चे हैं, ठीक है, वो मुझे बिना किसी रीज़न के मारते भी थे। तो जब वो अपनी क्लास फोर्थ में पढ़ रहे थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, द हेड मास्टर आस्क ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड। तो जो हेड मास्टर था स्कूल का, उसने क्या बोला ओम प्रकाश से कि तुम क्या है, जो स्कूल का प्ले ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलते हैं, वहाँ पर झाड़ू लगाओ। ही राइट्स द प्ले ग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट माई बैग बिगेन टू एक। अब वो बोल रहा है कि प्ले ग्राउंड इतना बड़ा है, और वो फोर्थ क्लास में पढ़ते थे तब, वो तो इतने छोटे थे, तो बोल रहे हैं कि मेरी तो हेल्थ भी उतनी नहीं थी, इतना बड़ा मैंने प्ले ग्राउंड साफ़ करा तो उनकी जो है कमर में दर्द भी होने लग गया है। वो बोल रहे हैं जो मेरा मुँह है वो पूरा डस्ट से, धूल से भर गया है, ठीक है, और डस्ट हैड गॉन इन साइड माई माउथ। वो बोल रहे हैं कि जो डस्ट है, गंदगी है, पूरी मेरे मुँह के अंदर चली गई है। अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। तो वो बोल रहे हैं कि जो और बच्चे मेरी क्लास में हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे को हेड मास्टर ने झाड़ू लगाने को बोल दिया। क्यों? क्योंकि मैं लो कास्ट से बिलोंग करता हूँ। तो हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ड्रिंक ऑफ वाटर। अब हेड मास्टर क्लास में बैठे हैं और मुझे झाड़ू लगाते हुए देख रहे हैं, और लाइक मुझे पानी भी पीने को नहीं दे रहे हैं। मैंने पूरे दिन भर झाड़ू लगाया। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडो ऑफ द स्कूल रूम द आइज ऑफ द टीचर एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ द डेज। ठीक है, अब जो ओम प्रकाश है उसके, वो हर दिन जो है स्कूल के, बहुत से दिन हो गए या जब भी वो स्कूल जाता है, उसको स्कूल में पढ़ाई नहीं की जाती है, वहाँ उससे डेली झाड़ू लगाया जाता है, और उसके जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं क्लास में, वो सब उसको ऐसा करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये कब ख़त्म होता है ना, जब ओम प्रकाश के पापा है वो स्कूल से ही गुजर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि मेरे बेटे को ऐसे झाड़ू लगवाया जा रहा है। सो ही कन्फ्रंटेड द टीचर एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हेयर, यू आर अ टीचर।
so I am leaving now. But remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him. तो वो अब उसे बहुत गुस्सा आता है जब वो देखता है मेरे बच्चे को ऐसे झाड़ू लगाया जा रहा है, झाड़ू लगवा रहे स्कूल में. तो वो टीचर से बोलते हुए जाता है, मतलब टीचर से बोलता है और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाता है. और बहुत तेज से वो बोलता है कि तुम लोग टीचर हो इसलिए मैं यहाँ से अभी चले जाता हूँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ. बट तुम याद रखो, हेडमास्टर से बोलता है, बट तुम याद रखिएगा कि ये यहीं पढ़ेगा और इसी स्कूल में पढ़ेगा. और ये ही नहीं, इसके बाद और भी बहुत से इसके जैसे लोग आएंगे जो इसके स्कूल में पढ़ेंगे. तो पहली स्टोरी तो ये थी. तो देखिए इस स्टोरी से आपको क्या पता चला, सोचिएगा आप. देखिए इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि कास्ट सिस्टम, जो लोअर कास्ट के लोग थे पहले, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, कैसा बर्ताव किया जाता था, कैसे उनको लोग अपने साथ तक नहीं बैठने देते थे. ठीक है, अब जो दूसरी स्टोरी है ना, उसमें यह है कि द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट सिटी एंड इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. ये सेकेंड इंसिडेंट है जो कि इंडिया के एक लार्जेस्ट सिटी में हुआ है और मोस्टली हर मतलब कंट्री के हर पार्ट में होता है. अब जो ये स्टोरी है ना, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिस अंसारी हु वर लुकिंग टू द रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी. अब ये स्टोरी है मिस्टर और मिसेस अंसारी, उनके कास्ट है, तो जो कि किराए के लिए घर देख रहे थे एक शहर में. दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम. अब पैसे तो है उनके पास, तो किराया देना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे वेंट टू प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस. द डीलर इन्फॉर्म दैट them that he knew quite about a few apartments that were available for rent. तो वो लोग प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे लिए कोई ऐसी जगह ढूंढ दो जहां हम रेंट पे रह सकें. तो डीलर उनसे बोलता है कि हाँ, मैं कुछ जगह जो है जानता हूँ रेंट के लिए, जो रेंट के लिए अवेलेबल है, तो हम वहाँ कल चले जाएंगे विजिट करने. तो दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड दैट अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट. अब वो अगले दिन पहला अपार्टमेंट रेंट के लिए, पहला घर देखने जाते हैं, तो अंसारी को वो बहुत भी अच्छा लगता है, तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं इसे रेंट पे ले लेता हूँ. हाउएवर व्हेन द लैंड लेडी फाउंड आउट देयर नेम, शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट बट बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट. अब जब लैंड लेडी जैसे उसका नाम सुनती है ना, तो अंसारी है उनकी कास्ट, और अंसारी लोग जो वो बोलते थे पहले के टाइम पे कि जो दलित लोग हैं लोअर कास्ट के, तो लैंड लेडी जैसे ही जो घर की मालकिन है वो उसका नाम सुनती है, तो उसे लगता है कि ये तो लोअर कास्ट का है, मैं इसे अपना घर क्यों दूँ. तो वो एक्सक्यूज़ बहाने बनाने लगती है कि हमारे यहाँ, हमारी कॉलोनी में तो कोई चिकन मीट कोई नहीं खाता है, यहाँ पर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो हम लोग नहीं दे सकते घर जो नॉन वेजिटेरियन नहीं, जो मतलब मांस चिकन खाता हो. तो बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हेयर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बींग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस. और ये सुन के वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसी समय उनके घर के बगल में क्या है, कोई मछली बना के खा रहा होता है. और वो लैंड लेडी बोलती है कि हमारे वहाँ सब क्या है, वेजिटेरियन है, कोई भी चिकन नहीं खाता है. तो फिर उसके बाद सेम एक्सक्यूज़ रिपीट होता है जब वो सेकेंड घर में जाते हैं, थर्ड अपार्टमेंट में जाते हैं. फाइनली जो प्रॉपर्टी डीलर है वो उनसे बोलता है कि लाइक क्या पता आप अपने नेम चेंज कर लो और अपने आप से मिस और मिसेस कुमार बोल लो, तभी आपको यहाँ पे रेंट जो है मिल सकता है. सो द अंसारी वर रिलुकेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर. तो वो ऐसा करने से उन्होंने मना कर दिया और वो आगे और देखने लगे. ठीक है, इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट द अपार्टमेंट बिफोर दे फाउंड अ लैंडलेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस टू ऑन रेंट. तो बहुत टाइम बाद उन्हें क्या है, मिला एक घर रहने के लिए. अब देखिए हमें यहाँ पे क्या, दोनों स्टोरी से हमें यही पता चल रहा है कि इनइक्वालिटी कास्ट के बेसिस पे कितनी इक्वालिटी है. ओम प्रकाश जो वाल्मीकि हैं, उनको स्कूल में उनके साथ इतना गंदा बर्ताव हुआ कि वो लो कास्ट से हैं, और अंसारी जो मिस्टर और मिस अंसारी थे, पैसा होने के बावजूद भी लोग उन्हें क्या है, घर किराए पर नहीं दे रहे थे. क्यों? क्योंकि वो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं. तो यही बताया गया है इन स्टोरी के थ्रू, हमें यही बताया गया कि कैसे देखिए कास्ट के बेसिस पे जो है हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है. अब देखिए रिकग्नाइज डिग्निटी, हमारा डिग्निटी, अपने डिग्निटी को रिकग्नाइज करना, अपने डिग्निटी को पहचानना, हमारा गौरव, सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं ना जिससे, हमारा गौरव है ये. ठीक है,
तो यू हैव अंडरस्टूड बाई नाउ दैट द कास्ट वी आर बॉर्न इन टू द रिलीजन वी प्रैक्टिस द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम वेदर वी आर मेल और फीमेल दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली। तो आपने जैसे दो स्टोरी पढ़ी तो इससे आपको ये पता चला होगा कि जिस कास्ट पे हम पैदा हो रहे हैं, जो रिलीजन हम धर्म को हम मान रहे हैं, हम जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हम भले ही आदमी हो या हम औरत हो, तो इसी ये कास्ट ही डिटरमाइन करता है कि क्यों कुछ लोगों को समाज में अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी जो है उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है उनके कास्ट के बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे कि तुम लोअर कास्ट से हो इसलिए उनको क्या अनइक्वली ट्रीट किया गया, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया। When person are treated unequally, their dignity is violated. अब जब लोगों को ऐसे unequally treat किया जाता है तो उनकी dignity भी जो है उसको भी बहुत ज़्यादा चोट पहुँचती है। ऐसा लगता, अब जैसे कोई समझ लीजिए आप ही हैं, आप लोग कहीं जा रहे हैं, आपकी कोई बेइज्जती करे या बोले कि नहीं हमें तुम्हें नहीं देना, या फिर स्कूल में आपके साथ ऐसा व्यवहार करें, तो सोचिए ना कितना हर्ट होता है उस टाइम पर। हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा सम्मान जो है, हमारा गौरव जो है, उसको कितना ज़्यादा हर्ट होता है। ठीक है, तो उनकी भी डिग्निटी को इतना ही ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, और जो डिग्निटी ओम प्रकाश और वाल्मीकि की थी वो भी, उनकी भी डिग्निटी को बहुत हर्ट हुआ क्योंकि उन्हें भी ऐसे ही तरीके से, गंदी तरीके से ट्रीट किया गया। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स एंड टीचर हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील एज ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल द अदर स्टूडेंट इन द स्कूल। अब जो वाल्मीकि है उसे स्कूल में झाड़ू लगवा रहे हैं, उससे अपने से दूर बैठने को बोल रहे हैं, क्यों? रीज़न सिर्फ ये था कि वो लो कास्ट से बिलोंग करता है। तो जो ओम प्रकाश के स्कूल मेट थे, उसके स्कूल के दोस्त थे या जो उनके टीचर्स थे, उन्होंने उसकी डिग्निटी को कितना ज़्यादा हर्ट किया, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना ज़्यादा हर्ट किया, उसे ये दिखाया है, उसे नीचा दिखाया है ना कि तुम नीचे हो और तुम नीचे जाति के हो, उसे दिखाया है, और तुम क्या बोलते हैं स्कूल में जो और बच्चे हैं उनसे अनइक्वल हो। तो देखिए कितनी गलत बात है ये। तो बींग ऑन अ चाइल्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। अब आप ओम प्रकाश वाल्मीकि उस टाइम छोटा था, फोर्थ स्टैंडर्ड में ही था, अब उसे स्कूल में पोछा लगाया जा रहा है, वो बच्चा है तो उसे समझ नहीं आया, तो वो इस सिचुएशन में ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाया। वो तो जब उसके फादर ने उसको देखा कि मेरे बेटे को ऐसे स्कूल में पोछा लगवा रहे हैं, झाड़ू लगवा रहे हैं, तब उन्हें गुस्सा आया कि जो अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं टीचर्स, ऐसे पढ़े लिखे लोग जो है वो अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अंसारी जो है यहाँ पे देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि भी डिग्निटी, उसके सम्मान को उन्होंने चोट पहुँचाई, और अंसारी को भी लोग घर देने से मना कर रहे थे। ठीक है, और प्रॉपर्टी डीलर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि तुम अपनी कास्ट चेंज करो क्योंकि तुम्हारी कास्ट के वजह से जो है तुम्हें घर नहीं दे रहे हैं, और लेकिन उन लोगों को अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट थी, डिग्निटी थी, जिससे कि उन्होंने ये करने से मना कर दिया कि भाई क्यों हम अपनी कास्ट चेंज करें। तो देखिए ओम प्रकाश और अंसारी कोई डिज़र्व नहीं करते हैं, कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया, वो अगर किसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो वो ये डिज़र्व नहीं करते हैं कि उनके साथ ऐसा ट्रीट किया जाए। उनको भी सेम रिस्पेक्ट और सेम डिग्निटी मिलनी चाहिए जो और लोगों को मिल रही है, जो अपर कास्ट के लोगों को मिल रही है। और देखिए यहाँ पे आपको स्टोरी भी बताइए कि कैसे, देखिए छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे, ये जो अमीर लोग हैं, बड़े अपर कास्ट के लोग हैं, उनसे अपने जो जूतों में पॉलिश करवा रहे हैं। यहाँ पे दिखाया है कि 1975 एक फ़िल्म है, दीवार फिल्म आपने देखी होगी, जिसमें एक लड़का जो है पैसे लेने से मना कर देता है, जब वो इसके शू में उसने पॉलिश की लेकिन पैसे लेने से मना करता है क्योंकि ये इसके ऊपर पैसे क्या उसको दे नहीं रहा है, तमीज से फेंक रहा है पैसा, सिक्का फेंक रहा है उसके ऊपर कि ये ले रख ले। तो उसकी कहीं ना कहीं डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी जो है वो हर्ट हो रही है कि भाई ये मैं एक तो मैं काम कर रहा हूँ और ऊपर से ये ऐसे मेरे साथ ट्रीट क्यों कर रहा है, तो वो पैसे लेने से मना कर देता है। अब देखिए इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, ये बताया है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसमें तो ये लिखा गया है कि हर एक इंसान क्या है इक्वल है, इसका मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल कंट्री में जो हो, मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट से हो, रिलीजन से हो, ट्राइब से हो, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, सब क्या है इक्वल है, ये हमारी इंडिया की संविधान में लिखा है। लेकिन ये तब ट्रू नहीं होता है जब
कास्ट का सिस्टम आता है. दिस इज़ नॉट से दैट इनइक्वालिटी क्रिएट टू सीज टू एग्जिस्ट. ठीक है, इट डजेंट, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल द पर्सन इज रिकग्नाइज्ड. While earlier no law existed to protect people from discriminating and ill treatment, now there are several laws that work to say the people are treated with dignity and equal. अब देखिए, पहले तो ऐसा बहुत ज़्यादा ये जातिवाद का भेदभाव होता था, तो पहले कोई लॉ नहीं था इसके अगेंस्ट, लेकिन अब जो है ना डेमोक्रेटिक हो गई है कंट्री और संविधान आ गए हैं, तो अब देश में ऐसे कुछ नियम कानून लागू हो गए हैं जिसमें यह है कि हाँ, अगर तुम कोई नीचे जाति का लोअर कास्ट का कोई पर्सन है, तुम उसके साथ गंदा ट्रीट कर रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें जो है पनिश किया जाएगा, फिर चाहे कोई भी हो. ठीक है, तो दिस रिकग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ लॉज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं, पहला तो ये है कि हर कोई आदमी इक्वल है बिफोर द लॉ. इसका मतलब है कि हमारा भले ही फिर देश का प्रेसिडेंट हो, कांता डोमेस्टिक वर्कर हो, कोई भी हो, लॉ के आगे सब इक्वल है. ठीक है, अगर कोई भी पर्सन कोई गलती करता है तो सज़ा उसकी सबके लिए सेम है. ऐसा नहीं है कि अब इसने ये गलती की है, ये अपर कास्ट का है तो उसको कम सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं है. लॉ के आगे, नियम कानून के आगे सब इक्वल है. अब दूसरा ये है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, बर्थ, वेदर दे आर मेल और फीमेल. किसी भी आदमी को अब क्या उसके रीजन के रिलीजन के अकॉर्डिंग, उसके कास्ट के अकॉर्डिंग भेदभाव उनसे नहीं किया जाएगा. और तीसरा ये है कि एवरी पर्सन है एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स एंड मार्केट. हर कोई पर्सन को क्या है एक्सेस, वो जा सकता है किसी भी पब्लिक प्लेसेस में, लाइक वो प्लेग्राउंड, होटल हो, शॉप हो, मार्केट हो, वो कहीं भी जा सकता है. पहले ऐसा था ना कि मंदिर थे वहाँ पे सिर्फ हाई कास्ट के लोग जाते थे, लो कास्ट के लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है. चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, वहाँ पर हर कोई इंसान जो है वो जा सकता है, भले ही फिर वो किसी भी कास्ट का हो. अगर कोई उनके साथ पूरा व्यवहार करेगा तो उस बंदे को, उस पर्सन को जो है पनिशमेंट होगी. ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स. ठीक है, अब जो है कि हर कोई पर्सन जो रोड्स है उसे यूज़ कर सकता है, वेल्स यूज़ कर सकता है, और जो अनटचेबिलिटी है वो देश से हट चुकी है. ठीक है, लेकिन कहीं अभी मतलब कहीं हद तक हट चुकी है, लेकिन बहुत कम ऐसे एरियाज हैं, पिछड़े हुए इलाके हैं जहाँ पर कास्ट वास्ट को मानते हैं. ठीक है, द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी डेट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम्स टू हेल्प द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़. तो गवर्नमेंट है, दो तरीके हैं जिससे कि गवर्नमेंट ने ये दिखाया है कि जो इक्वलिटी है वो सबके लिए इक्वल है, मतलब हर कोई समाज में इक्वल है. पहला तो ये है कि जो उन्होंने लॉज पास किए हैं उसके अकॉर्डिंग कि सबको इक्वल है, और दूसरा ऐसा है कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स और स्कीम्स भी जो हैं जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है उनके लिए बनाए गए हैं. There are several laws in India that protect every person's right to be treated equal. कुछ laws हैं इंडिया में जिससे ये है कि हर कोई person जिसको equal right है. In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the life of communities and individuals who have been treated unequal for several centuries. These schemes are to ensure greater opportunity to for people who have not had in this past. अब देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी लागू की है. जो ST/SC लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है, जॉब, अगर गवर्नमेंट की जॉब है कहीं पे तो उनके लिए कुछ सीट्स क्या होती हैं जो रिज़र्व करके रख दी जाती हैं कि ये सीट्स इन कैंडिडेट को ही मिलेगी. तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि इन लोगों के साथ क्या पास्ट में बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, और आपने देखा भी ऊपर की कितनी अनटचेबिलिटी पहले जो स्टोरी थी उसमें थी, तो इनके साथ पास्ट में बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, ये खुद को क्या है बना नहीं पाए हैं और आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो इनको अभी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. इसलिए गवर्नमेंट जो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट ने लागू कर रखी है. तो वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील. अब यहाँ पे एक स्टेप, एक तो जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो तो है ही, और दूसरा यहाँ पे बताया है कि गवर्नमेंट ने क्या है मिडली मील स्कीम जो है स्कूल में लागू की है कि दिन का खाना क्या होगा, स्कूल में ही खाएगा बच्चा. मतलब इसमें यही लिखा है कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, जो बच्चे हैं उनको दिन में स्कूल में ही खाना जो है मिलेगा. तो तमिलनाडु पहला स्टेट है जहाँ पे ये स्कीम लागू हुई थी 2001 में. द सुप्रीम कोर्ट आस्क ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन 6 मंथ. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर कोई जो अपने स्कूल में ये प्रोग्राम जो है लागू करो कि दिन में बच्चों को स्कूल में खाना बनाओ.
अब देखिए इस प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या है कि इसका क्या है, बहुत ही सारे पॉजिटिव इसके इफ़ेक्ट हैं। जैसे कि ये तो है कि दिस इंक्लूड्स द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। अब जैसे जो गरीब लोग हैं पहले क्या है वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे, अब स्कूल में उनको खाना मिल रहा है तो बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं और रेगुलरली वो अटेंड कर रहे हैं स्कूल। क्योंकि पहले क्या होता था ना, जब स्कूल में खाना नहीं मिलता था तो जो बच्चे हैं वो घर पे खाना खाने के लिए जाते थे, और बहुत बार ऐसा होता था कि वो स्कूल नहीं आते थे फिर घर जाने के बाद। लेकिन जब से मिड डे मील स्कीम आई है स्कूल में तो जो बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव हो गई है। पहले क्या था, जो घर मम्मी जो बच्चों की मदर्स हैं ठीक है, उनको क्या करना पड़ता था, वो कहीं काम भी कर रही हैं तो घर जाना पड़ता था जल्दी ताकि वो अपने बच्चों के लिए खाना बना सकें और उनको खाना दे सकें। लेकिन अब ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्कूल में ही बच्चों को खाना मिल रहा है। सो दिस प्रोग्राम हैज़ हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रिजुडिस बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल एट दिस मील टुगेदर इन एंड इन क्वाइट फ्यू प्लेसेस। अब इस प्रोग्राम से पहले तो ये है गरीब बच्चा स्कूल में आ रहा है, वहाँ उसको खाने को मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही है। वो जो पुअर है वो स्कूल में इनरोल कर रहा है, उसकी अटेंडेंस मेंटेन हो रही है। दूसरा बेनिफिट ये है इस प्रोग्राम से कि फिर चाहे बच्चा अपर कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, किसी भी कास्ट का हो, साथ बैठ के सब खाना खा रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं कि ये अपर कास्ट का है तो उसको वहाँ पर अलग से बिठा के खिलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी कास्ट का हो सब बच्चे साथ बैठ के खाने खा रहे हैं। बहुत सी प्लेसेस में हो रहा है ऐसा, और बहुत सी प्लेसेस में ऐसा है जो दलित वुमेन है वो ही खुद जो है खाना बना रही है बच्चों के लिए। तो देखिए यही बताया, जो मिड डे मील है इससे क्या हो रहा है, बच्चों की जो हंगर है, जो गरीब लोग हैं उनकी हंगर मिट रही है, उनको भूख मतलब जो उनके पास इतने पैसे नहीं है खाने के लिए तो वो स्कूल में खा पा रहे हैं, और इसके वजह से क्या है वो स्कूल भी आ पा रहे हैं और स्कूल में पढ़ाई लिखाई में ध्यान भी दे पा रहे हैं क्योंकि उनकी भूख जो है मिट जा रही है। पहले क्या, अगर भूखा है कोई इंसान तो वो पढ़ाई में भी कैसे कंसंट्रेट करेगा ना, तो इससे हेल्प हो रही है इससे। और जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे ऐसे और प्रोग्राम जो है करती है जिससे कि क्या है इक्वलिटी बने रहे, और अभी भी ऐसा बहुत सा है जो करना बाकी है। While the mid day meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big difference in our country between school that the rich attend and those that poor attend. अब देखिए यहाँ पे ये तो बता रहा है कि जो मिड डे मील है ये हेल्प कर रहा है पुअर जो गरीब बच्चे हैं उनका कि वो स्कूल में क्या हो अटेंड करें। लेकिन अभी भी क्या है हमारे देश में ऐसा बहुत ही बड़ा डिफरेंस है हमारी कंट्री में स्कूल को लेके, कि जहाँ ऐसा होता है ना जो गरीब बच्चे हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, जो अच्छे अमीर बच्चे अमीर घर के वो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो हमारी कंट्री में अभी भी ऐसा बहुत है स्कूल को लेके, जो गरीब और पुअर लोग हैं उनके स्कूल में क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली। अभी भी ऐसे बहुत से कंट्रीज़ में ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे जो बच्चे हैं जो दलित चिल्ड्रन से लोअर कास्ट के उनको ऐसे अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स इंटू अनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट रिस्पेक्टेड। ऐसे ऐसे काम उनको करने को बोलते हैं जिससे उनका क्या सम्मान को हर्ट हो रहा है, चोट पहुँच रही है। This is because people refuse to think of them as equal even though the law required it. अब देश का संविधान बोल रहा है कि हर कोई इक्वल है, लेकिन लोगों की कोई कोई लोग होते हैं ना उनकी सोच भी ऐसी होती है कि हाँ हम अपर कास्ट के हैं तो हम इन लोअर कास्ट के लोगों के हाथों से क्यों खाएं, उनके साथ बैठ के क्यों खाएं। तो बहुत से लोग हैं ऐसे जो ये मानने से ही इनकार कर देते हैं कि हम बड़े हैं तो हम बड़े ही रहेंगे, हम छोटे क्यों बने, जबकि लॉ बोल रहा है कि बड़ा छोटा कुछ नहीं है, सब इक्वल है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। देखिए एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जो जिससे कि जो लोगों का एटीट्यूड है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इवन दो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट लॉ दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट रिलीजन डिसेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। अब देखिए लोगों का एटीट्यूड भी थोड़ा ऐसा ही है ना कि उन्हें ये अवेयर है इस चीज़ से, वो जागरूक है कि ये जो अनइक्वलिटी है वो लॉ के अगेंस्ट है। लॉ बोलता है कि हर कोई इक्वल है तो ये लॉ के अगेंस्ट है, और अगर कोई पर्सन ऐसा कर रहा है तो उसके लिए उसकी पनिशमेंट भी है। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो लोगों को अनइक्वल ट्रीट करना छोड़ते नहीं हैं। जो अब बड़े लोग हैं जो जिनकी थोड़ी सोच ही ऐसी है
वो मतलब लोगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं उनके कास्ट के बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे, और क्योंकि वो वुमेन है उसके बेसिस पे. सो इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी द पर्सन प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज. लेकिन देखिए ये चीज़ ना तभी चेंज हो सकती है जब जो आदमी है वो खुद ये सोचना खुद ये सोचे है कि कोई आदमी जो है बड़ा या छोटा नहीं है. हर किसी पर्सन को क्या है इक्वल राइट मिलना चाहिए, इक्वल तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए. अगर आदमी खुद ऐसा सोचे ना तो उसका एटीट्यूड खुद जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके तरफ चेंज हो जाएगा. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individual as well as various community in India contribute. ठीक है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे. इसमें मतलब ये बोल रहा है कि अगर इंसान खुद ये सोचना छोड़ दे कि ये नीचे जाति का है और वो ये सोचना स्टार्ट कर दे कि भाई सब लोग इक्वल हैं, तो खुद लोगों का एटीट्यूड जो एटीट्यूड है वो लो कास्ट के लोगों के टूवर्ड्स जो वो चेंज होगा. अब देखिए इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज. देखिए वैसे ये लो कास्ट अपर कास्ट जो है ये कुछ होता नहीं है, ये बस लोगों के बनाए हुए रीति रिवाज है कि लोगों ने बना दिया है ये कि ये लो कास्ट का है या ये अपर कास्ट का है उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग. कि ये जो पहले बहुत पहले जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था बहुत मतलब जब ब्रिटिशर्स लोग भी नहीं आए थे ना उससे पहले की बात है कि लोग उनके काम के अकॉर्डिंग बोलते थे कि जो लोग राजा वाजा है उनको क्षत्रिय बोल दिया, जो पुजारी है उनको ब्राह्मण बोल दिया, और जो लोग लाइक इधर उधर सफाई कर रहे हैं सड़क में झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं उनको बोल दिया ये दलित है ये लोअर कास्ट हैं. तो लोगों ने ये कास्ट सिस्टम खुद से बना रखा है. तो इश्यूज ऑफ इक्वालिटी अब हमारे इन अदर डेमोक्रेसी. अब ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में ये इनइक्वालिटी है, और भी ऐसी बहुत सी कंट्री है ना जहाँ पर ये इनइक्वालिटी है. तो यहाँ पर यही पता है कि यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. द ट्रूथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड द विच कम्युनिटी स्ट्रगल. तो यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि सिर्फ इंडिया ही ऐसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहाँ पर यह कास्ट सिस्टम होता है या इनइक्वालिटी होती है. ऐसी बहुत सी और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये इनइक्वालिटी चलती है, लोगों को स्ट्रगल्स करना पड़ता है. अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, बोल रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का यहाँ पर एग्जांपल दे लीजिए. तो यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन उन लोगों को बोलते हैं जो एंसिस्टर थे किसके, मतलब जिन लोगों को पहले जो लोग बंदी थे, ठीक है, लाइक जिन लोगों को अफ्रीका से अमेरिका में लाया गया था काम करवाने के लिए, ठीक है, तो उनको ये लोग बोलते हैं अमेरिकन अफ्रीकन. तो इन लोगों को लाइक अनइक्वल ट्रीट किया जाता है यहाँ पे. और दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स. और लाइक मूवमेंट भी चला था 1950s में कि जो ये इक्वल राइट होनी चाहिए अफ्रीकन अमेरिकन को भी. प्रायर टू दिस उससे पहले क्या था, अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन UK स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वली थ्रू द लॉ. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे इधर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर वाइट पर्सन विश टू सिट. अब देखिए यहाँ पे जो अमेरिकन अफ्रीकन थे जो अमेरिका के लोग क्या है अफ्रीका से लेके आए थे और उनको अपना गुलाम बना के रखा था, आज भी वहाँ ये चीज़ जो है बहुत टाइम तक चली, फिर तो उसके अगेंस्ट लॉ बन गए थे, ठीक है, लोगों ने आवाज़ उठाई. उससे पहले क्या होता था ना, जैसे बस में भी कोई बैठे हैं, ठीक है, तो जो ये अमेरिकन अफ्रीकन लोग थे ये बस में पीछे ही सीट में बैठते थे, और अगर कोई वाइट पर्सन वहाँ पर आ गया, उनसे कोई बड़ा आदमी वहाँ पर आ गया, तो अपना सीट छोड़ के क्या उनको उसको जो है वो सीट ऑफर करनी पड़ती थी. तो यहाँ पे आपको एक कहानी बताई है कि एक रोज़ा पार्क ऐसी अमेरिकन अफ्रीकन वुमेन थी जो अफ्रीका से लाई गई थी, या फिर उसके एंसिस्टर लेके आए होंगे, मतलब उसके एंसिस्टर को अमेरिका में ला के गुलाम बनाया गया होगा. वो पूरे दिन भर उसने काम किया था तो वो बहुत ही थकी हुई थी, तो कोई एक वाइट मैन जब आया वहाँ पे बस में तो उसने अपनी सीट देने से मना कर दिया, उसने बोला कि भाई मैं तो नहीं हटूँगी सीट से. तो हर रिफ्यूज़ल दैट दे स्टार्टेड अ ह्यूज एलिगेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अमेरिकन अफ्रीकन्स वर ट्रीटेड विच केम टू बी नोन एज सिविल राइट मूवमेंट. अब उसने इसका क्या है, उसने नहीं मानी ये चीज़, ठीक है, वो नहीं उठी सीट से, तो फिर और लोगों के अंदर भी ये जागरूकता आई कि भाई हम लोग क्यों ये लोग हमारे साथ ऐसे ट्रीट करते हैं. तो सिविल राइट मूवमेंट जो है इससे रेज हुआ. तो सिविल राइट एक्ट 1964 में ये था कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोका जाए, रेस, रिलीजन और
उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने ये भी स्टेट किया कि ऑल द स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेट अप फॉर देम। फिर ये लॉ में ये था कि जो स्कूल्स हैं अमेरिकन अफ्रीकन चिल्ड्रन के लिए भी सेम रहेंगे और उन्हें कोई अलग से स्कूल अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर डिस्पाइट दिस द मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन अफ्रीकन कंटिन्यू टू अमॉन्ग द पुअरेस्ट। इसके बाद भी बहुत सारे अमेरिकन अफ्रीकन थे जो क्या है अभी भी गरीब ही रह गए कंट्री में, और जो मोस्ट अमेरिकन अफ्रीकन चिल्ड्रन है वो सिर्फ इतना ही अफोर्ड कर पाते हैं, उनके पास इतने ही पैसे हैं कि वो गवर्नमेंट स्कूल में जा सके जहाँ पे फैसिलिटी कम है, पुअर क्वालिफाइड टीचर है जैसे कि वाइट स्टूडेंट के स्कूल के कंपैरिजन में, और जो ये वाइट स्टूडेंट है वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी उनके पास कंडीशन या फैसिलिटीज़ हो। ठीक है, फिर चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी में जो है क्या क्या चैलेंज आते हैं। तो भले ही हम बोलते हैं हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, लेकिन कोई भी कंट्री को हम ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है। क्योंकि अभी हमारी कंट्री में भी देख लीजिए बहुत जगह से ये कास्ट सिस्टम ही हट चुका है, लेकिन बहुत जगह ऐसा है हमारी कंट्री में अभी भी कि जहाँ लोग ये कास्ट सिस्टम को मानते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है सिचुएशन ठीक हो चुकी है और आने वाले टाइम पे और सही होगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या, राइट टू वोट सबको है, लेकिन कुछ रिच और पुअर और कास्ट बेसिस के सिस्टम पे भी बहुत सी ऐसी जगह पर है जहाँ पर अभी इनइक्वालिटी होती है। तो आई होप ने आपको जो भी चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच।